जो मंदिर है पंच केदार, ये पांडवों के मोक्ष काल में 5,500 वर्ष पहले लाठी 5,500 वर्ष पहले पांडव जब मोक्ष के लिए इस केदार खंड में आए थे, भगवान शिव जी पांडवों को संपूर्ण शरीर का दर्शन देना नहीं चाहते थे। गोत्र हत्यार ब्रह्म हत्या दोष होने के कारण, गोत्र किसको बोलते हैं? जनरेशन, फोर फादर। और ब्राह्मण गुरु द्रोणाचार्य आदि ब्राह्मण महाभारत के युद्ध में उपस्थित थे, सारे मारे गए, इसलिए ब्रह्म हत्या दोष। इसके मोक्ष के लिए भगवान कृष्ण ने पांडवों को उपदेश किया कि केदार खंड में जाओ, भगवान शिव का दर्शन करो, तो आप अंदर का नहीं बाहर का। इस केदार खंड में, केदार खंड कहाँ से शुरू होता है? हरिद्वार से। हरिद्वार से ऊपर पूरा केदार खंड है। ये केदार ज्योतिर्लिंग 11वें ज्योतिर्लिंग भगवान जो केदारनाथ है, ये तभी उत्पन्न हुए जब पांडव उनको ढूंढते हुए केदारनाथ में पहुंचे, तो भगवान शिव ने छुपने के लिए मायावी भैंस का रूप धारण किया, लेकिन पांडव लोग उनको पहचान गए। तो भगवान शिव जी उस भैंसे के रूप में जमीन में धस गए। अब केदार किसको कहते हैं? दल दल को केदार कहते हैं, जहां आदमी धस जाए उसका नाम केदार है। तो इस तरह से केदार में पांडव भगवान भैंसे के रूप में धस गए, लेकिन उनके पृष्ठ भाग को पांडवों ने वहां पे स्पर्श कर लिया, छू लिया, वहीं पे उनको आकाशवाणी होती है कि आप लोगों ने मेरे को छू लिया, आपको मोक्ष हो जाएगा। इस केदार खंड में मेरे 5 स्वरूप के लिंग उत्पन्न हो गए हैं, आप इनका दर्शन पूजन करो तो आपको मुक्ति प्राप्त होगी। तो पहले केदारनाथ में भगवान का पृष्ठ भाग का लिंग है, दूसरे केदारनाथ मधमेश्वर में बाबा का नाभि भाग का लिंग है, मुख्य मठ के उधर केदारनाथ। अरे बाबा अभी सुनो, अभी सब केदारनाथ और मधमेश्वर का 12 महीने जो पूजा होता है वो ऊखी मठ में होता है। ऊखी मठ से ही डोली हिमालय में जाती है। अब केदारनाथ में 18 किलोमीटर पैदल है, मधमेश्वर में 14 किलोमीटर पैदल जाना है, हिमालय में दोनों उधर ही पड़ते हैं। केदारनाथ और मधमेश्वर एक ही तरफ पहाड़ी के पास पास पड़ते हैं। दोनों की जो 12 महीने पूजा होती है ऊखी मठ में होती है। ऊखी मठ कहाँ है? ऊखी मठ वो स्थान है जहाँ पे उषा और अनिरुद्ध का गांधर्व विवाह संपन्न हुआ था। अब उषा कौन थी? बाणासुर की लड़की। और अनिरुद्ध कौन था? भगवान कृष्ण का नाती। उन दोनों का गांधर्व विवाह, आज की भाषा में क्या बोलते हैं, लव मैरिज हो गया। तो उनका गांधर्व विवाह ऊखी मठ में संपन्न हुआ, उसी के नाम से उषा, उषा के नाम से ही ऊखी मठ पड़ा। और वो क्षेत्र जो है ना जहाँ पे भगवान की गद्दी है, मानदाता ऋषि की तपस्थली है। अब आप तीसरे केदारनाथ जहाँ पर मैं बोल रहा हूँ, ये तुंगनाथ जी का स्थान, भगवान का हृदय और भुजा रूप का लिंग यहाँ पर विराजमान। यहाँ की जो 12 महीने पूजा होती है मक्कू मठ में हुआ करती है, यहाँ से 30 किलोमीटर नीचे वहां पर मृकंड ऋषि की तपस्थली है, वहां पे 12 महीने ऐसी पूजा होती है, ऐसा ही मंदिर है। इस तरह से भगवान तुंगनाथ जी का ये क्षेत्र। और चौथे केदारनाथ रुद्रनाथ जी हैं, बद्रनाथ की तरफ बढ़ते हैं यहाँ से, वहां पे भगवान का मुखमंडल है गुफा के अंदर, और वो उनकी जो पूजा होती है 12 महीने गोपेश्वर में हुआ करती है। और पांचवे केदारनाथ कल्पेश्वर है, वो भी बद्रीनाथ के ही मार्ग में पड़ते हैं, वहां पे भगवान का जटा के स्वरूप का लिंग है, वो भी गुफा के अंदर है। केवल एक ही केदार ऐसे हैं जो 12 महीने खुला रहते हैं, वो है कल्पेश्वर। और वहीं से बद्रीनाथ दर्शन पांडवों ने किए, बद्रीनाथ में भगवान विष्णु विराजमान, वैकुंठ लोक कहा गया बद्रीधाम। वर्तमान में इस पृथ्वी का स्वर्ग कौन है? बद्रीनाथ। ठीक है, तो बद्रीनाथ में भगवान के विष्णु के दर्शन करने के बाद वहीं से स्वर्गारोहणी से पांडवों को मुक्ति प्राप्त हुई थी। कब? 5,500 वर्ष पहले द्वापर के अंत में। उसके उपरांत ये इन मंदिरों का जो पूजा पाठ था वो बाधित रहा,
कई लोगों ने यहाँ पे हमारे पूजा को खंडित किया, कई धर्म चले,